दोस्तों मेरे पास एक तांबे का फ़ोन है, इसमें जो है दोस्तों चार्जिंग स्टोरिंग का प्रॉब्लम है। मतलब बैटरी चलता रहता है बट बैटरी फुल नहीं हो रहा है। तो आज हम इसका जो है सलूशन आपको बताएंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी फ़ोन का जो है चार्जिंग स्टोरिंग बना सकते हैं। वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ कि इससे वोल्टेज कितना आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा भाई। मल्टीमीटर को जो है 20 वोल्ट पे रखूँगा और चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है और कितना आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इसमें कितना कम वोल्टेज आ रहा है। बैटरी 3.7 वोल्ट की है। मतलब बैटरी से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए चार्जिंग पे। चार्जिंग कनेक्टर पे वोल्टेज ज़्यादा आना चाहिए तभी ये बैटरी चार्ज होगी दोस्तों, लेकिन वोल्टेज बहुत कम आ रहा है जिसके कारण ये चार्ज नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसको कम से कम 4 पॉइंट से ऊपर आना चाहिए लेकिन फिर भी वोल्टेज कम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको जो है कैसे इसको रिपेयर करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे जो है निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके पास दोस्तों कोई भी फ़ोन हो, सैमसंग का हो या कोई भी चाइना हो, तो ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये चार्जिंग जिनर है, जनरेटर ड्राइवर जैसे कहते हैं। तो हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। निकालने के पहले जो है एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। पहले मल्टीमीटर से इसको चेक करना है, दोनों साइड चेक करना है आपको। मल्टीमीटर से चेक करने के बाद दोस्तों पहले चेक करना है कि किस साइड ग्राउंड ग्राउंड है। अब देखिए, बताओ दोस्तों, इसको आपको चेक करना है जिस साइड का ग्राउंड हो। तो ग्राउंड जिस साइड का जो है दे, जैसे अभी ये मैंने चेक किया था कि ये वाला पिन जो है माइनस दिखा रहा है, ठीक है। तो माइनस वाला जो है आपको चार्जिंग के प्लस पॉइंट से जम्पर करना है, और जो प्लस वाला है तो प्लस वाले को बैटरी पे जोड़ देना है, बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पे। वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। अभी मैं इसको निकालता हूँ।
मैंने इस आई जनरेटर टावर को निकाल लिया दोस्तों, अब इसको सेट करूँगा मैं जो है, तो माइनस इस साइड का है तो देखते जाइएगा आप। अब मैं नीचे जो है टेप लगाऊंगा ताकि ये जो है शॉर्ट ना हो आपस में। अड़तीस दोस्तों, आपको एक जम्पर यहाँ से करना है, थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है। और इसके जो है चार्जिंग जम्पर को जो है सीधा प्लस पॉइंट पे जो है मुझे ऐड करना, ठीक है। लगाएंगे थोड़ा सा पेस्ट, चलिए दोस्तों अब इसको हम चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले हम चेक करेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं है, ग्राउंड तो नहीं है, पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेना कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब दोस्तों हम इसको प्लग करते हैं। अब इसको जो है
बैटरी को चेक करने के लिए वोल्टेज कितना आ रहा है वो हम जो है 20 वोल्ट पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये रख दिया, ये रख दिया। ये देखिए दोस्तों, वोल्टेज अब बढ़िया आ रहा है, चार पॉइंट से ऊपर आ रहा है। तो अब दोस्तों आपको भी जो है चार्जिंग इसी तरह बनानी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। हो बैठ गया 2 मिनट।